हेलो फ्रेंड्स आज हम शुरू कर रहे हैं बी ए बी एस सी फिफ्थ सेम की एक मैथ्स की बुक ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर नंबर वन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ग्रुप्स की डेफिनेशन जानने के लिए हम सबसे पहले जो उसके अंदर डेफिनेशन यूज होंगे उनको समझ लेते हैं सबसे पहले आता है बाइंड्री ऑपरेशन जैसे बाइंड्री ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट जी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक फंक्शन है जो जी क्रॉस जी से जी तक जा रहा है यानी यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है और हमें एक सिंगल वैल्यू मिल रही है उसको बोलेंगे बाइंड्री ऑपरेशन ऑन जी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एन ऑपरेशन विच कम्बाइंड टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट इज कॉल्ड बाइंड्री ऑपरेशन कि कोई ऑपरेशन लग रहा है जो एक सेट के दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक दूसरा एलिमेंट दे रहा है उसी सेट का उसको क्या बोलते हैं बाइंड्री ऑपरेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल लो कि बाइंड्री ऑपरेशन प्लस है बाइंड्री ऑपरेशन है प्लस है सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लीकेशन है डिविजन है हमने यहाँ प्लस लिया जो जेड क्रॉस जेड से यानी जेड क्या है सेट ऑफ इंटीजर जो कहाँ तक जा रहा है जेड तक फॉर एग्जाम्पल जैसे आप थ्री और सेवन हमने दो एलिमेंट्स लिए तो इन पे ऑपरेशन लगाया बाइनरी ऑपरेशन क्या आ रहा है टेन तो वो भी क्या है इंटीजर यानी जेड क्रॉस जेड से ले कहाँ जा रहे हैं जेड पे यानी दो एलिमेंट्स हमने कंबाइन किए बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू तो वो फिर भी उसमें सेट ऑफ इंटीजर्स में जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ जाती है एलजेब्रिक स्ट्रक्चर एलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है जी विद वन और मोर बाइंड्री ऑपरेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा बाइंड्री ऑपरेशन लगते हैं यानी एक सेट और एक से ज़्यादा बाइन्ड्री ऑपरेशन उनको बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जी कॉमा स्टार क्या है बाइंड्री ऑपरेशन इस फॉर्म को जो ओपन इंटरवल में हम लिखते हैं इसको बोलते हैं एलजेब्रिक स्ट्रक्चर वेयर जी क्या है एक नॉन एम टी सेट है और स्टार क्या है बाइंड्री ऑपरेशन नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रुप की डेफिनेशन जो क्या कहता है कि एक नॉन एम टी सेट है जी एलोंग विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार यानी एक नॉन एम सेट चाहिए और एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए उसको कब कहेंगे कि वो ग्रुप है इफ़ इट सेटिसफाई द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज अगर वो ये फॉलोइंग चार प्रॉपर्टी सेटिसफाई करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं ग्रुप जब फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोज़र प्रॉपर्टी क्लोज़र क्या कहती है एक तरह से क्लोज़ होना जैसे कि ए और बी दो मेंबर हैं जो जी से आ रहे हैं और उनके ऊपर हम ए स्टार बी यानी स्टार हमारा बाइंड्री ऑपरेशन है बाइंड्री ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो जी में जा रहे हैं दैट मीन्स वो क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं फॉर एग एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है और बाइंड्री ऑपरेशन क्या है प्लस इस सेट ऑफ इंटीजर्स से मैंने दो मेंबर लिए थ्री और फोर और इन पे मैंने बाइंड्री ऑपरेशन लगाया सेवन आ रहा है तो वो भी किससे बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से इसका मतलब दो मेंबर मैंने इंटीजर सेट से लिए और बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो सेट में बिलोंग कर रहे हैं दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं एसोसिएटिव ला ये क्या कहता है कि हम तीन मेंबर लेते हैं ए बी और सी जो जी से बिलोंग कर रहे हैं हम ये लिखते हैं ए स्टार बाइनरी ऑपरेशन बी स्टार सी किसके इक्वल आता है ए स्टार बी स्टार सी पे सेम उसी तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वही जो हमारा चल रहा है सेट ऑफ इंटीजर और बाइनरी ऑपरेशन हो गया प्लस हमने तीन मेंबर ले लिए वन टू एंड फाइव जो जेट से बिलोंग कर रहे हैं हमने साइड पहले सोल्व की वन प्लस टू प्लस फाइव पहले टू और फाइव को ऐड किया क्या आ रहा है सेवन फिर उसमें वन ऐड किया कितना आ रहा है एट यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है एट सेम हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया वन प्लस टू प्लस फाइव क्या आ रहा है थ्री प्लस फाइव यानी एट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है दैट मीन्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है नेक्स्ट है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी कहते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए कोई मेम्बर जी से आ रहा है उसके लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ई e, जी से सच दैट कि हम उसकी मल्टीप्लाई एलिमेंट की ई e से करें चाहे ई e की मल्टीप्लाई a से करें हमें वापस वो सेम एलिमेंट मिल जाए यानी आइडेंटिटी एक एलिमेंट ऐसा हो गया जिससे हम बाइंड्री ऑपरेशन लगाने के बाद भी हम जी का कोई भी एलिमेंट लें हमें सेम वापस मिल जाए फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा सेट ऑफ इंटीचर वही जेड बाइंड्री ऑपरेशन प्लस तो हमने सेट ऑफ इंटीचर से मैंबर लिया थ्री तो थ्री बाइंड्री ऑपरेशन प्लस उसमें क्या ऐड करें हमारे पास वापस थ्री आ जाए तो वो क्या है जीरो तो इसका मतलब जीरो क्या है एडिटिव आइडेंटिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वो क्या कहता है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करे देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी करें या बी स्टार ए करें हमें क्या मिल जाए आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो हम हम क्या बोलेंगे बी इज़ इनवर्स ऑफ ए फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं जेड सेट ऑफ इंटीजियर बाइंड्री ऑपरेशन प्लस उसमें से हमने मैंबर क्या लिया थ्री जो जेड से बिलोंग कर रहा है यानी थ्री बाइंड्री ऑपरेशन प्लस एडिटिव आइडेंटिटी क्या है ई e यानी जीरो तो हम थ्री में क्या ऐड करें कि हमें इक्वल टू आइडेंटिटी मिले यानी जीरो मिले वो क्या है माइनस थ्री तो माइनस थ्री क्या बन जाएगा इनवर्स ऑफ थ्री फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक एबिलियन ग्रुप एबिलियन ग्रुप क्या होता है कि जैसे आपके पास ये भी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी तो हमारा ग्रुप बना उसके साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी है अगर वो और सेटिस्फाई कर देती है तो वो बन जाता है एबिलियन ग्रुप दैट इज़ कि ग्रुप जी स्टार इज सेट टू बी एबिलियन कब कहेंगे कि इफ़ एन एडिशन टू द अबव फोर प्रॉपर्टीज अगर एक प्रॉपर्टी के फॉलोइंग प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हम उसको क्या बोलेंगे एबिलियन ग्रुप जैसे ए और बी दो मेंबर लिए जी से तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम ए बाइंडी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइंडी ऑपरेशन ऑफ ए फॉर एग्जाम्पल वही जेड प्लस हम लिया तो थ्री और फाइव हमने दो मेंबर लिए जेड से तो थ्री प्लस फाइव करें या फाइव प्लस थ्री करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है सेम तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेमी ग्रुप कैसे कहते हैं कि एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जी स्टार उसको कब कहेंगे कि वो सेमी ग्रुप है कि अगर वो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज दैट इज़ क्लोजर और एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करती है दैट इज कॉल्ड सेमी ग्रुप नेक्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी आर फाइनाइट अगर जी में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हैं तो उसको बोलेंगे फाइनाइट ग्रुप अदरवाइज उसे क्या बोलेंगे इनफाइनाइट ग्रुप नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फ़ाइनाइट ग्रुप कि एक फ़ाइनाइट ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या होगा इस कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप उसे क्या बोलेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप्स की यानी कुछ जो प्रॉपर्टीज उसमें यूज़ होती हैं वो क्या हैं फर्स्ट थ्योरम है जैसे हमारे पास कि इफ जी स्टार एक ग्रुप है देन हम ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी यूनिक होगी और एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इनवर्स यानी जी का जो आपका ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी यूनिक होगी और उसके कोई भी एलिमेंट है उस सबका इनवर्स भी यूनिक होगा तो हमने लिया हम फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज़ यूनिक तो अगर हमें यूनिकनेस प्रूफ करनी है तो हम क्या मानते हैं कि हम मानते हैं कि दो हैं उसकी आइडेंटिटीज और हम लास्ट में ये दिखा देंगे कि दोनों इक्वल हैं तो क्या प्रूफ हो जाएगा यूनिकनेस तो हमने क्या किया कि इफ़ पॉसिबल लेट ई वन एंड ई टू बी टू आइडेंटिटी इन अ ग्रुप जी कि ई वन और ई टू दो आइडेंटिटी है, हैं एलिमेंट हैं जी के तो फर्स्ट मैंने ऐसे कंसीडर किया कि अगर मैं ये लूँ कि ई वन आइडेंटिटी है और ई टू उसका एक मेंबर है तो जैसे हमारी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की क्या होती है ए स्टार ई इज इक्वल टू ए देता है ई स्टार इज इक्वल टू ए यहाँ पर ई क्या है ई वन और एक की जगह क्या है ई टू तो हमने ई वन स्टार ई टू किया तो हमें क्या मिलेगा ई टू और ई टू स्टार ई वन करें तो भी ई टू आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ई वन क्या है आइडेंटिटी है इसको हमने इक्वेशन नंबर वन नाम दे दी सिमिलरली हमने ई टू को लिया कि ई टू आइडेंटिटी है और ई वन क्या है उसका मेम्बर है तो वो सेम ईवन स्टार ई टू किया तो क्या आ रहा है ई वन आएगा तो इक्वेशन नंबर टू नाम दे दिए दोनों को कंबाइन करेंगे दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट right भी इक्वल हो जाएंगी यानी ई वन इज इक्वल टू ई टू हमने दो अलग अलग मानी थी और लास्ट में वो इक्वल आ गए इसका मतलब आइडेंटिटी क्या है यूनिक है नेक्स्ट हम करते हैं कैंसिलेशन लॉ वो क्या कहते हैं कि अगर इफ़ जी ग्रुप है अंडर द बाइंड्री ऑपरेशन स्टार देन बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन ला होल्ड करेगा जी में दैट इज़ क्या है हमारे पास लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन ला कि जैसे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी आपको दिया हुआ है तो क्या होगा कि ये जो लेफ़्ट से ए है वो कैंसिल हो जाएगा उसको हम क्या लिखेंगे दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी हम इसको यहाँ कट करके शो नहीं करेंगे अगर हमें कहीं भी थ्योरम में यूज़ करना है तो हम लिखेंगे बाय कैंसिलेशन ला कि अगर ए स्टार बी ए स्टार सी के इक्वल है दैट मीन बी सी के इक्वल है फॉर ऑल ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं जी से, राइट right कैंसिलेशन ला ए राइट right में है तो बी स्टार ए इज़ इक्वल टू सी स्टार ए दिस एम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं हमें करना कैसे है कि जैसे जी इज़ अ ग्रुप है विद बाइंड्री ऑपरेशन स्टार तो हमने क्या किया कि लेट ए कोई मेंबर जी से लिया जी ग्रुप है तो दैट मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कंसीडर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी हमने ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया कि ए स्टार बी ए स्टार सी के इक्वल है अब हमें पता है यहाँ से हमें ए को एलिमिनेट करना है तो हमने क्या किया प्री मल्टीप्लाई करवा दी बोथ साइड ए इनवर्स से ए इनवर्स स्टार बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी बोथ साइड हमने इधर भी मल्टीप्लाई करवा दी फिर हम एसोसिएटिविटी हमने ला लगाया क्योंकि जी ग्रुप है तो वो एसोसिएटिविटी ला क्या कहता है कि फर्स्ट जैसे एक होता है फर्स्ट मेंबर है बाहर है और एक में लास्ट होगा तो ए इनवर्स इंटू स्टार ये हमने कंबाइन कर दिया बी सेम इधर भी कंबाइन कर दिया तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आइडेंटिटी सेम इधर तो हमारे पास बी इक्वल टू क्या आ जाएगा सी तो यानी जब ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी है तो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट में करेंगे जैसे हमने बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए लिया अब ये राइट right में है ए तो हमें पोस्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड ए इनवर्स सेम जैसे अबव हमने लेफ्ट के लिए सोल्व किया है इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा बी इक्वल टू सी नेक्स्ट हम कुछ एक एग्जांपल हैं जो ग्रुप के ऊपर बेस हैं वो देख लेते हैं जैसे फर्स्ट है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ इट्स ओन इनवर्स कि अगर ग्रुप का हर एक एलिमेंट का इनवर्स उसके खुद के इक्वल है देन हमें ये शो करना है कि वो ग्रुप कैसा है एबिलियन है यानी ग्रुप तो है चार प्रॉपर्टीज तो हैं एबिलियन के लिए हमें क्या करनी होती है एक फोर्थ प्रॉपर्टी करनी पड़ती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें इसके अंदर वो प्रूफ करना है लेट हमने लिया कि जी स्टा डॉट बी अ ग्रुप यानी डॉट हमने क्या ले लिया मल्टीप्लीकेशन हमने बाइंड्री ऑपरेशन ले लिया तो बाय गिवन कंडीशन क्या है कि जी के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी जी का कोई भी मेंबर हो तो एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स यानी कोई एलिमेंट है वो अपने ख़ुद के इनवर्स के इक्वल है हमें प्रूफ क्या करना है कि जी एबिलियन है तो हमने जी से क्या एबिलियन प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी हम दो मेंबर लेके चलेंगे ए और बी हमने दो मेंबर लिए जी से ये क्या इम्प्लाइज करेंगे ए बी इज इक्वल टू बी यानी ए मल्टीप्लाई बी करी बी मल्टीप्लाई ए दोनों इक्वल आए प्रूफ स्टार्ट किया हमने लिया ए और बी दो मेंबर जी से आ रहे हैं अगर वो जी से आ रहे हैं जी के पास बाय गिवन कंडीशन क्या है कि ए का इनवर्स ए के इक्वल होगा और बी का इनवर्स बी के इक्वल होगा हमने इसको नाम दे दिया स्टार एज हमें पता है जी ग्रुप है तो बायोजर क्लोजर प्रॉपर्टी ए और बी अगर जी से आ रहे हैं तो ए बी किससे बिलोंग करेगा जी से और जो मेंबर जी में गया उसके लिए हमारे पास गिवन कंडीशन वही है कि खुद एलिमेंट है उसका इनवर्स खुद के इक्वल होगा यानी ए बी का इन्वर्स ए बी के इक्वल होगा हमने ए बी का इन्वर्स ओपन किया कैसे ओपन होगा बी इनवर्स ए इनवर्स अब बाई यूजिंग द स्टार इक्वेशन यूज़ करें बी इनवर्स किसके इक्वल है बी के ए इनवर्स किसके इक्वल है ए के तो दैट इज़ हमने क्या प्रूफ कर दिया ए बी इज इक्वल टू बी एनि जी क्या है एबिलियन नेक्स्ट हम सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं वो क्या कहता है कि जी डॉट एक ग्रुप uh, है हैज़ फोर एलिमेंट्स उसके पास फोर एलिमेंट्स हैं देन शो करना है इट मस्ट बी एबिलियन कि वो ग्रुप कैसा है एबिलियन है तो हमने जी स्पोज कर लिया कि उसमें चार एलिमेंट्स हैं तो क्या लिया एक तो आइडेंटिटी क्योंकि वो ग्रुप है आइडेंटिटी होना ज़रूरी है और बाकी तीन एलिमेंट और ले लिए ए बी एंड सी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर अब सच दैट ई क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट अब हमें पता है ई e का इन्वर्स करें वापस ई e के इक्वल आ जाएगा तो हमने क्या सपोज कर लिया कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक और एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जी का जिसका इन्वर्स खुद के इक्वल है क्योंकि अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसके अंदर ये आया था कि अगर एलिमेंट का इन्वर्स खुद के इक्वल होता है तो वो ग्रुप कैसा होता है एबिलियन तो उस कंडीशन को देखते हुए हमने यहाँ पर भी वही अज्यूम कर ली हमने ये लिया कि फर्स्ट उसमें चार एलिमेंट्स हैं तो ई e का तो हमें पता है ई इन्वर्स ई के इक्वल होता है है एक एलिमेंट इसमें से और लेंगे जिसका इनवर्स खुद के इक्वल होगा वो हमने सपोज कर लिया कि ए को एक एलिमेंट है जी का और ए इनवर्स ए के इक्वल है अब बाकी कितने एलिमेंट्स बचे दो यानी जो केसिस चलेंगे वो किस पे चलेंगे बी और सी पे अगर बी इनवर्स भी बी के इक्वल हो जाए और सी इनवर्स भी सी के इक्वल हो जाए इसका मतलब क्वेश्चन वही बन गया फर्स्ट वाला कि अगर सभी एलिमेंट्स का इनवर्स खुद के इक्वल है तो हम क्या प्रूफ कर देंगे कि एवरी एलिमेंट का खुद का इनवर्स है जी क्या होगा एबिलियन ग्रुप जैसे अभी फर्स्ट एग्जाम्पल प्रूफ किया था सेम यहाँ पे उसका प्रूफ आ जाएगा सेकेंड केस क्या होगा दो ही ऑप्शन है तो बी इनवर्स या तो बी के इक्वल होगा दूसरे में केस में क्या होगा सी के इक्वल और सी इनवर्स बी के इक्वल तो बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लगाएं तो बी इंटू सी सी इंटू बी करें तो क्या आता है आइडेंटिटी अब हमने क्या सपोज किया था कि ए इनवर्स ए के इक्वल है इसका मतलब बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्केज इक्वल टू क्या आएगा आइडेंटिटी सिंस हमें पता है ए और b दो मेंबर जी से आ रहे हैं तो ए बी जी में जाएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अब जी में तो चार ही मेंबर हैं ई e, ए बी सी तो हमने क्या लिया ए बी या तो आईधर ई e के इक्वल होगा या ए के इक्वल होगा या बी के इक्वल होगा या सी के इक्वल होगा अब हम ये चारों केसेस डिस्कस करेंगे कि ए बी एग्जैक्टली आएगा किसके इक्वल फर्स्ट हमने लिया कि अगर ए बी ई के इक्वल है तो क्या होगा ए इनवर्स इज इक्वल टू बी जो कि क्या होगी कंट्राडिक्शन क्यों क्योंकि ए का इनवर्स तो ए के इक्वल है तो पॉसिबल नहीं है यानी फर्स्ट केस हो गया फेल सेकंड केस हमने लिया कि अगर ए बी ए के इक्वल है तो बाय कैंसिलेशन ला ए से ए कैंसिल हो जाएगा बी इक्वल आएगा आइडेंटिटी के वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर बी और आइडेंटिटी इक्वल हो गए दैट मीन्स हमारे ग्रुप के चार एलिमेंट्स ना रह के तीन रह जाएंगे नेक्स्ट हमने लिया ए बी इज इक्वल टू बी तो इसमें भी बाई कैंसिलेशन ला हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई e, तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर ए और ई e भी इक्वल हुए तो भी एलिमेंट्स तीन रह जाएंगे इसका मतलब जब तीन केसेस में कंट्राडिक्शन आ गई तो एक ही केस बचा यानी ए बी इक्वल होगा सी के सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं कि बी ए इज इक्वल टू क्या होगा सी एंड अगर ए और सी से करें या सी की ए से करें तो वो किसके इक्वल आएगा बी के हमने ये कंडीशंस निकाल ली उसके बाद हमारे पास क्या है कि बी डॉट ए हमने यहाँ आया कि सी के इक्वल है फिर हमने बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई करवा दी सी से यहाँ पे भी सी डॉट सी ये हो गया सी स्क्र और यहाँ पे हमने क्या लगा दी एसोसिएटिविटी सी और बी को कंबाइन कर दिया ए को बाहर कर दिया कंबाइन इसलिए किया क्योंकि सी और बी की दोनों की जो हमने मल्टीप्लाई है वो आइडेंटिटी के इक्वल है क्योंकि हम मान के चलें कि बी इनवर्स सी के इक्वल है तो ए इज इक्वल टू किस इक्वल आ गया सी स्क्यर सिमिलरली हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं बी स्क्र इज इक्वल टू ए तो अब हम क्या बनाएंगे कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे हमने जितनी वैल्यू यूज़ होनी थी वो हमने बना ली बाइंडी ऑपरेशन हम यहाँ लिखते हैं क्या है मल्टीप्लाई जो जितने एलिमेंट्स हैं जैसे चार एलिमेंट्स हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल भी लिखना है और वर्टिकल भी लिखना है अब हम की मल्टीप्लाई करेंगे ई e की मल्टीप्लाई ई e के साथ करा तो ई e आएगा ए के साथ करेंगे तो भी ए ई e की मल्टीप्लाई बी के साथ करो सी के साथ करो वो सबके साथ सेम देगा नेक्स्ट है ए की मल्टीप्लाई ई e के साथ करेंगे तो ए इंटू ए ए स्क्वेयर ए इंटू बी ए बी ए इंटू सी ए सी सेम बी सेम सी से हमने ये मेंबर्स लिख दिए अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर से सोल्व की थी फर्स्ट रो में तो हमारे एज इट इज़ आ गए यहाँ पे भी ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है ई ए बी की वैल्यू क्या है सी ए सी की वैल्यू क्या है बी और सेम यहाँ पे बी सी की सी यहाँ पे ए ये आइडेंटिटी तो हमने सबकी वैल्यू जो ऊपर से कैलकुलेट की थी वो वहाँ पुट कर दी अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे चार एलिमेंट्स थे बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद भी वही चार मेंबर हमें कंपोजिशन टेबल में मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमने टेबल से क्या ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट्स हैं कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स में क्या हैं सेम हैं और कंपोजिशन भी जी में क्या है कॉम्पिटेटिव तो इसका मतलब हमारा जी क्या बन गया एबिलियन ग्रुप नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप पहले हमने किया था डिस्कस कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है जितने नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट्स है अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या होगा लेट हमने जी डॉट एक ग्रुप माना विद आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लिया ई e. ठीक है फॉर ए बिलोंग्स टू जी कि ए कोई मेंबर जी से आ रहा है अगर वहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट करता है जिसकी पावर करने पर हमें आइडेंटिटी मिलता है तो हम एम को क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ़ देन एलिमेंट और उसको डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू जिसना भी आ रहा है पावर यानी एम फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ए की पावर थ्री करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि ए का ऑर्डर कितना है थ्री है या और यहाँ पे जो थ्री है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो तब हम उसको उसका कंसीडर करते हैं अगर हमें कोई पॉजिटिव इफ़ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर अगर हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता तो हम बोलेंगे कि उसका ऑर्डर या तो आइदर फाइनाइट है या जीरो है एक स्पेशल नोट है कि अगर लिस्ट ना मिलके हमें सिंपल पॉजिटिव इंटीजर मिले मान लो हमें ये मिल रहा है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिल रही है तो हम देन क्या लिखेंगे कि ए का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू एम है यानी इक्वल ना आके लेस देन इक्वल टू दो चीज़ें आएंगी अगर वहाँ पे एम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है अगर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें ऑर्डर ऑफ ए एम मिलेगा और अगर सिर्फ इंटीजर है पॉजिटिव तो ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम होगी लेकिन ऑर्डर ऑफ ए कैन नॉट बी ग्रेटर देन एम उसका ऑर्डर एम से बड़ा नहीं हो सकता नेक्स्ट तो हम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे जो बेस्ड है ऑर्डर ऑफ़ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप पे फर्स्ट थ्योरम है कि ऑर्डर ऑफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ फाइनाइट फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं तक है फर्स्ट पार्ट में हमें ये शो करना है कि कोई फ़ाइनाइट ग्रुप है और उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा फाइनाइट होगा ठीक है सेकंड पार्ट में हम ये शो करेंगे कि या तो फाइनाइट होगा या वो लेस देन और इक्वल होगा किससे ग्रुप के ऑर्डर से तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे कि लेट जी डॉट हमने क्या लिया एक फ़ाइनाइट ग्रुप लिया अगर आपको कोई बाइनरी ऑपरेशन मेंशन नहीं है तो हम मोस्टली मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन लेते हैं लेट ए कोई एलिमेंट है जी का तो ए ए स्क्र ए क्यूब ए फोर सारे के सारे जी के एलिमेंट्स होंगे बाई क्लोज़र प्रॉपर्टी चलती जाएगी ए इंटू ए करें ए इंटू ए स्क्र करें तो वो सब एलिमेंट्स किस में जाएंगे जी में क्योंकि जी आपको ग्रुप दे रखा है अब उन्होंने बोला सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट जी में फाइनाइट है यानी कहीं ना कहीं जाकर ये जो सोन चल रहा है वो स्टॉप होगा इसका मतलब देअर फोर हमने लिखा कि ए ए स्क्र ए क्यूब ये जो सोन चल रहा है आर नॉट ऑल डिस्टिंग यानी ये सब अलग अलग नहीं है कहीं ना कहीं जाके ये स्टॉप होंगे यानी कहीं ना कहीं जाके रिपीटेशन स्टार्ट होगा मतलब पाँच एलिमेंट के बाद दस के बाद कहीं ना कहीं स्टॉप होगा लेट हमने मान लिया कि जैसे ए टू और ए थ्री हैं एम वन एम टू दो एलिमेंट्स इक्वल हैं और एम वन एम टू से बड़ा है तो हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया ए की पावर माइनस एम टू तो इज इक्वल टू क्या बच्चा यहाँ ए की पावर जीरो यहाँ पे ए एम वन माइनस ए एम टू इज इक्वल टू ये क्या होगा किसी की पावर जीरो हो तो आइडेंटिटी एम वन माइनस एम टू का नाम मैंने क्या रख दिया एम तो ए की पावर एम करने पे मुझे क्या मिल रहा है आइडेंटिटी लेकिन एम लीस पॉजिटिव इंटीजर नहीं है पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव एंटीजर एम एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी पावर एम करने पे मुझे आइडेंटिटी मिल रही है इसका मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि ए का ऑर्डर जो है वो लेस देन इक्वल टू एम है या तो उसका ऑर्डर एम होगा या उससे छोटा होगा यानि एक बात कन्फर्म हो गई कि ए का ऑर्डर फाइनाइट होगा नेक्स्ट हमें इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है फाइनाइट तो प्रूफ कर दिया अब ये दिखाना है कि या तो फाइनाइट होगा या उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस होगा तो फाइनाइट है तो हमने मान लिया कि ए का ऑर्डर कितना है एन है अगर एन ऑर्डर है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एन तो हमने लिखा ए एन तक हमें लास्ट पॉइंट मिल गया कि ऑल एन डिस्टिंग एलिमेंट्स हैं जी के इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दे दिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए का ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस देन इक्वल टू है हमने उससे उल्टा मान लिया कि ए का ऑर्डर जी के ऑर्डर से बड़ा है ए का ऑर्डर है क्या एन ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ़ जी इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना ऑर्डर ऑफ जी लेस देन एन ऑर्डर ऑफ़ जी का मतलब क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी जो लेस देन एन होंगे ऑर्डर ऑफ जी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी और लेस देन एन अब ये क्या आ गई कंट्राडिक्शन अब हमने तो कहा उसके अंदर एन डिस्निक एलिमेंट्स हैं जी में और यहाँ पर ये बात आ रही है कि जी के में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एन से कम है तो इसका मतलब हमारी सुपोजिशन रॉन्ग है हमने क्या माना था कि ए का ऑर्डर जी के ऑर्डर से बड़ा है तो इसका मतलब ए का ऑर्डर जी के ऑर्डर से या तो लेस होगा या इक्वल होगा सेकेंड थ्योरम देख लेते हैं हम सेकेंड थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ द सेम एज़ दैट ऑफ इट्स इनवर्स यानी आपका जो एलिमेंट का ऑर्डर है ग्रुप के और उसके इन्वर्स का ऑर्डर है वो दोनों सेम होते हैं ये बात हमें प्रूफ करनी जैसे हमने स्टार्ट किया कि ए कोई एलिमेंट है जी का हमें प्रूफ क्या करना है कि ए का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर दोनों इक्वल है तो केस फर्स्ट लिया अब ऑर्डर तो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है तो हम दोनों केस डिस्कस करेंगे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि ए का ऑर्डर फाइनाइट है दैट मीन्स हमने मान लिया ए का ऑर्डर इज इक्वल टू एन लेट ई क्या डिनोट कर रही है जी की आइडेंटिटी तो बाय ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट हमने क्या मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए क्या ले लिया एन अगर ए का ऑर्डर एन है तो बाय डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि ए की पावर एन इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी अब ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो ए को क्या लिख सकते हैं ए ए मल्टीप्लाई अप टू एन टाइम्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी बोथ साइड हमने क्या अप्लाई करवा दिया इनवर्स इनवर्स अंदर अप्लाई होगा ए इनवर्स अप टू एन टाइम्स इज इक्वल टू ई इनवर्स ई इनवर्स क्या आ जाएगा ई e और ए इनवर्स की पावर एन इसका मतलब ए इनवर्स की पावर एन करने पे हमें क्या मिल रहा है आइडेंटिटी तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन जी ए का ऑर्डर जो होगा ए इनवर्स का ऑर्डर वो लेस देन इक्वल टू एन होगा इक्वल तब होता है जब लीस्ट होता है अब यहाँ पे लिस्ट नहीं है तो सिंपल पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब ए इनवर्स का ऑर्डर एन से छोटा होगा इसका मतलब छोटा है तो ए इनवर्स का ऑर्डर क्या आ गया फाइनाइट तो हमने मान लिया कि ए इनवर्स का ऑर्डर क्या है एम यहाँ एम इसकी वैल्यू रखेंगे तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया कि एम लेस देन इक्वल है एन से तो हमने इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दे दिया अब सेकंड केस सोल्व करेंगे हमें एम और एन को इक्वल नाना है तो ए इनवर्स का ऑर्डर एम है फिर वही कि ए इनवर्स की पावर एम करेंगे तो आइडेंटिटी ए इनवर्स ए इनवर्स अप टू एम टाइम्स करेंगे तो आइडेंटिटी ए इनवर्स की तो दोनों साइड हमने इनवर्स अप्लाई किया इनवर्स इनवर्स वन हो जाएगा तो ए अप टू एम टाइम्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी यहाँ क्या आ गया ए की पावर एम इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी इसका मतलब ए का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू एम है ए का ऑर्डर है क्या एन तो एन की वैल्यू एम से छोटी है इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम वन और टू क्या होगा एन एम के इक्वल है एन क्या था ऑर्डर ऑफ ए एम क्या था ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स यानि जब हमने फाइनाइट ऑर्डर लिया था तो उस केस में हमने प्रूफ कर दिया कि ए और ए इनवर्स का ऑर्डर इक्वल है केस नंबर सेकंड हम ले रहे हैं कि ए का ऑर्डर क्या ले लिया हमने इनफाइनाइट तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए इनवर्स का ऑर्डर भी क्या आना चाहिए इनफाइनाइट तो सपोज दैट कि ए इनवर्स का ऑर्डर हमने क्या मान के चल रहे हैं फाइनाइट प्रूफ क्या करना है इनफाइनाइट मान क्या लिया फाइनाइट अगर वो फाइनाइट है तो कोई ना कोई नंबर होगा तो हमने क्या ले लिया एम तो इसका मतलब ए बाई डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की ए इनवर्स की पावर एम करें तो क्या बनेगा आइडेंटिटी पावर को इंटरचेंज कर दिया तो इसका मतलब ए की पावर एम क्या दोनों तरफ हमने इनवर्स अप्लाई करवा दिया ए की पावर एम क्या आ जाएगी आइडेंटिटी इसका मतलब ए का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू एम इसका मतलब क्या आ गया कि ए का ऑर्डर फाइनाइट है लेकिन हमें तो गिवन था कि इसमें ही कि ए का ऑर्डर तो इनफाइनाइट है इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ गई कंट्राडिक्शन आई कब जब हमने ये माना था कि ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट है इसका मतलब कि अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा तो वी कंक्लूड फ्रॉम बोथ द केसेस हमने दोनों केसेस से क्या कंक्लूड किया कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ सेम एज़ दैट ऑफ इट्स इनवर्स कि ग्रुप का ऑर्डर उसके एलिमेंट के ग्रुप का ऑर्डर और उसका इन्वर्स का ऑर्डर एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर दोनों सेम होंगे हमारी थर्ड इम्पोर्टेंट शोर हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के ऊपर कि इफ़ एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन कि अगर जी का कोई एक एलिमेंट है ए और उसका ऑर्डर कितना है एन तो देन हमारे पास कंडीशन क्या है कि ए की पावर एम आइडेंटिटी के इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ एन इज डिविजर ऑफ़ एम यानी इन दोनों कंडीशन के बीच में इफ़ एंड ओनली इफ है और ए का ऑर्डर एन दोनों के लिए कॉमन है फर्स्ट हमने लिया कि लेट ऑर्डर ऑफ ए क्या है एन कॉमन है गिवन कंडीशन हमारी क्या ली कि फर्स्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि ए की पावर एम क्या है आइडेंटिटी टू प्रूफ क्या करेंगे कि एन इज डिवीजर ऑफ एम कि एन एम का डिवीजर है प्रूफ स्टार्ट किया हमें गिवन है कि ए का ऑर्डर एन है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप क्या कहेंगे कि ए की पावर एन इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी एक और कंडीशन हमें गिवन है कि ए एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी दोनों लिख दी सिंस एम और एन दोनों इंटीजर हैं तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं वो क्या कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक, एक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर यानी क्वेश्चन और रिमाइंडर सच दैट एम इज इक्वल टू एम को क्या लिख सकते हैं एन क्यू प्लस आर कंडीशन होगी आर के ऊपर कि वो जीरो से बड़ी होगी या जीरो के इक्वल होगी लेकिन एन से छोटी होगी हमारा टारगेट है कि हमें एन को एम का डिवीज़र दिखाना है डिवीज़र कब हो सकता है जब रिमाइंडर क्या हो जीरो ठीक तो हमने उसके लिए काम करना है तो यहाँ पे बोथ साइड हमने ए की पावर ले ली इसको क्या अलग अलग लिख दिया बेस ए है पावर अलग अलग हो सकती हैं ए की पावर एन को अंदर क्यों बाहर ए की पावर एन कितना है आइडेंटिटी यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ से क्या आ गया कि ए की पावर एम इज़ इक्वल टू ए की पावर आर तो ए की पावर एम है किसके इक्वल ई के इसका मतलब ए की पावर आर भी ई के इक्वल आ गया लेकिन ए की पावर आर करने पर ई e आ रहा है लेकिन आर की वैल्यू एन से छोटी है तो हमारी कंट्राडिक्शन आ गई क्यों आई क्योंकि हमने कहा था कि एन सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी पावर करने पर हमें ई e मिल रहा है अब आर तो एन से भी छोटा आ गया जिसकी पावर ई e करने मिल रहा है इसका मतलब पॉसिबल नहीं है आर इज ऑर्डर ऑफ ए तो देअर फोर जो पॉसिबल वैल्यू है आर की वो क्या होगी जीरो इसका मतलब आर जीरो हो गया तो एम इज इक्वल टू एन क्यू इसका मतलब एन इज़ अ डिवीजर ऑफ एम इनवर्सली गिवन क्या लेंगे कि एन एम का डिवीजर है तो प्रूफ क्या करना है ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी फिर वही प्रूफ स्टार्ट करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है एन ए की पावर एन क्या है आइडेंटिटी एन हमें पता है कि डिवीज़र है एम का तो देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई, कोई, कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा सच दैट एम को क्या लिख सकते हैं एन क्यू बोथ साइड हमने ए की पावर ले ली ए की पावर एम क्या है आइडेंटिटी इसका मतलब ए की पावर एम करने पे क्या आ गया आइडेंटिटी ये थी और हो गई नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप के ऊपर कि हमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप कैसे फाइंड आउट करना है इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि लेट जी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास जीरो वन टू थ्री फोर फाइव हमें इन सब एलिमेंट्स का ऑर्डर पता करना है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी बाइंड्री ऑपरेशन क्या दे रखा है एडिशन मॉडलो सिक्स यानी एडिशन मॉडलो सिक्स कैसे अप्लाई होता है कि आप दो मेंबर्स को ऐड करोगे फिर उसको सिक्स से डिवाइड करोगे हमें क्या लिखना है रिमाइंडर जो उसका रिमाइंडर आएगा वो हमें वहाँ लिखना है जैसे अभी गिवन ग्रुप के अंदर क्योंकि ऑपरेशन क्या है एडिशन मोड लो एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो तो आइडेंटिटी क्या है जीरो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जीरो का कितना होगा वन क्योंकि हमें क्या देखना है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि ए की पावर एन करने पे हमें क्या मिलता है आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी क्या है जीरो तो जहाँ जी जीरो मिलेगा वहाँ पे इसका ऑर्डर होगा तो ये हो गया एडिशन मोड लो हमने जो डिफ़ाइन किया हुआ है सबसे पहले हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वन का वन की पावर वन करेंगे तो क्या मिल रहा है वन वन की पावर टू का मतलब वन प्लस वन टू क्योंकि टू ही लिखेंगे जब तक सिक्स से बड़ी डिजिट या सिक्स नहीं आ जाती हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे वन की पावर थ्री करी तो वन प्लस वन प्लस थ्री तो यहाँ थ्री फिर सेम फोर के लिए फाइव के लिए लेकिन जब हमने यहाँ सिक्स तक किया तो आया सिक्स सिक्स को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा जीरो जीरो क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट यानी वन की पावर सिक्स करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है इसका मतलब वन का ऑर्डर क्या है सिक्स सेम ऑर्डर ऑफ़ एलिमेंट टू का देखो टू की पावर वन करोगे तो टू टू की पावर टू करी तो फोर टू की पावर यहाँ थ्री करी यानी सिक्स आ जाएगा सिक्स को सिक्स से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर लेना है क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं करनी हमें क्वेश्चन नहीं लेना है रिमाइंडर लेना है तो क्या होगा जीरो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट तो ऑर्डर ऑफ टू क्या आ गया थ्री नेक्स्ट सेम इसी तरह ऑर्डर ऑफ एलिमेंट थ्री का देखो थ्री की पावर वन करोगे तो थ्री थ्री की पावर टू करें यानी थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स को सिक्स से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया जीरो यानी थ्री की पावर टू करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है तो इसका मतलब थ्री का ऑर्डर टू है सेम फोर के लिए करेंगे फोर की पावर वन किया फोर फोर की पावर टू किया एट आएगा एट को डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा टू फिर आया यहाँ पे ट्वेल्व यहाँ पे कितना आएगा जीरो यानी फोर की पावर थ्री करने पे हमें क्या मिल रहा है जीरो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट तो ऑर्डर ऑफ फोर क्या हो गया थ्री सेम फाइव के लिए फ़ाइव की पावर वन करेंगे टू करेंगे थ्री करेंगे फोर फाइव एंड सिक्स तो जब सिक्स करेंगे तब हमारे पास आइडेंटिटी जीरो बन रही है यानी एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ़ फ़ाइव क्या है सिक्स थैंक यू